हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मेडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि आप जानते ही हैं, मेडू स्टडी है आपका अपना चैनल इनिशिएटिव, जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल मैनर में। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज़ में अलग अलग मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो आपकी फेवरेट मार्केटिंग मॉड्यूल से है। हमें बहुत सारा फीडबैक मिल रहा था, मार्केटिंग में ऑलरेडी 26 वीडियोस थी, बट कंटिन्यूसली हमारे सब्सक्राइबर से फीडबैक मिल रहा था कि इस पर और कंटेंट लेके आएँ और लेके आएँ, ताकि हमने उसी को सब ऑनर करते हुए वापस से मार्केटिंग पे वर्क करना स्टार्ट किया है। एंड आज हमारा जो वीडियो है, वीडियो नंबर 27 है, जिसमें हम जानेंगे सर्विस मार्केटिंग के बारे में। हमने प्रोडक्ट मार्केटिंग, ब्रांड्स के बारे में, ब्रांड बिल्डिंग सब किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियोज़ जो हैं देख सकते हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है मार्केटिंग की, जिसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में वीडियोस हैं। आज चलिए पढ़ते हैं सर्विस मार्केटिंग के बारे में, क्या होती है सर्विस मार्केटिंग और इसमें क्या क्या जो है मेन बातें होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। तो ये हमने अलग सब्जेक्ट्स में देखा भी हुआ है कि सर्विस की बेसिकली चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे प्रोडक्ट को सर्विस से डिफरेंशिएट किया जाता है। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला इंटेंजिबिलिटी। सर्विस कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ट, हर्ड और स्मेल्ड बिफोर परचेज। अब देखिए, आप प्रोडक्ट खरीदने गए, एप्पल लेने जा रहे हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, मोबाइल लेने जा रहे हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट आप बैंक में गए बैंकिंग सर्विस लेने, कंसल्टेशन सर्विस लेने, वो सर्विस हैं, उनको आप ये टच, सी, फील कुछ नहीं कर सकते। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स होता है सर्विस का इंटेंजिबिलिटी। दूसरा आता है इनसेपरेबिलिटी। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रोवाइडर्स। अब देखिए, आप सब्जी मंडी गए, आपको सेब पसंद आए, सेब आप लेके आ गए, तो उस सेब बेचने वाले से वो सेपरेट हो गए, आपने बदले में पैसे दिए, आप उसको ले आए। मोबाइल खरीदने गए, आपके पास मोबाइल आ गया, सेपरेट हो गया। सर्विस सेपरेट नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए आप अवेल करते हैं, वो वही रह जाती है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने फूड सर्विस ली, उसके बाद आप आ गए ना। बैंक में गए, बैंकिंग सर्विस अवेल करी, उसके बाद आप आ गए। डॉक्टर के पास गए, कंसल्टेशन के, उसके बाद आ गए, वो आप सेपरेट नहीं कर सकते प्रोवाइडर से। तो सेकंड फीचर होता है सर्विसेज का इनसेपरेबिलिटी। थर्ड होता है वेरिएबिलिटी। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन हु प्रोवाइड्स देम, व्हेन, वेयर, हाउ, मतलब ये अलग अलग वेरी करती है। अब इससे आप किस तरीके से समझे, ऐसे देखिए। अब मान लीजिए कोई एक सेम मोबाइल है, सैमसंग का एक पर्टिकुलर मॉडल M31, वो आप चाहे यहाँ से लें, चाहे दो दुकान छोड़ के लें, नेक्स्ट सिटी लें, नेक्स्ट स्टेट लें, वो एक जैसा होगा। तो प्रोडक्ट्स जो है वो एक तरीके के होते हैं, बट सर्विस वेरी कर सकती है। आप सेम ब्रांच ऑफ मान लीजिए होटल में गए, उसमें भी डिपेंडिंग अपॉन स्टाफ कैसा है वेरी कर सकती है। HDFC की आपके जो होम टाउन में ब्रांच है, मेन सिटी में जो ब्रांच है, दूसरी सिटी में ब्रांच है, वहाँ पे आप जाएंगे, अलग अलग उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप कहाँ ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कौन उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस में वेरिएबिलिटी होती है। पेरिशेबिलिटी। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज़। वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, आपने अवेल करी, फिनिश हो गई। आपने मान लीजिए कोई सर्विस ली है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी डॉक्टर के कंसल्टेशन के सर्विस, डॉक्टर ने कंसल्ट किया, फिनिश हो गई। लीगल सर्विस आपने ली, किसी कोई प्रोफेशनल सर्विस आपने ली, कंसल्टेशन आपने ली, वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, उसको लेटर यूज़ या वो नहीं कर सकते। प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट एक बार आपने ले लिया, आप जब तक वो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर्विस की ये चार पैरामीटर्स होते हैं, चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड पेरिशेबिलिटी। अब बात करते हैं सर्विस प्रॉफिट चेन की। तो सर्विस प्रॉफिट चेन सबसे पहले क्या है, चेन दैट लिंक सर्विस फर्म प्रॉफिट विद एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब देखिए, एक एम्प्लॉई है उस सर्विस प्रोवाइडर के पास, उस कंपनी में, उस बैंक में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कस्टमर्स हैं जो सर्विस को अवेल कर रहे हैं। अब ये चेन है जो इनको दोनों को लिंक करती है, एम्प्लॉयज़ को और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रॉफिट से। और इस चेन में जो है पांच लिंक्स होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चल के इन पांचों लिंक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल सर्विस क्वालिटी। इंटरनल सर्विस क्वालिटी मतलब आपकी अंदरूनी सर्विस क्वालिटी कैसे है, आपका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप बैंकिंग में हैं तो आपके पास जो जो बैंकिंग रिलेटेड सब होना चाहिए, क्या आपके पास सारे सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स इन प्लेस हैं, आपकी टीम ट्रेंड है या नहीं, इंटरनली आप कितना उसमें एडवांस्ड है। सेकेंड, सेटिस्फाइड एंड प्रोडक्टिव सर्विस एम्प्लॉई। अब देखिए, सर्विस में आप कितना ही पैसा लगा लें, सब लगा लें, अगर जो एम्प्लॉई उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है, ठीक से नहीं है,
हो सकता है अनट्रेंड हो या वो अनसेटिस्फाइड हो, तो अच्छी सर्विस नहीं होगी। आपने बड़ा एसी बैंक बनाया है, सब कुछ बनाया है, हाई प्रोफाइल कस्टमर्स हैं आपके, बट जो आपने काउंटर पर बंदा बिठाया हुआ है उसका आप ध्यान नहीं रखते, उसके मान लीजिए सैलरी टाइम पे नहीं देते, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वो जब कस्टमर से डील करेगा अच्छे से करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। आपकी कंसल्टेशन फर्म है, आपके पास जो है पर आर कंसल्टेशन के हिसाब से लोग आते हैं, और आपने जो एम्प्लॉई रखा है वो ठीक नहीं है, तो आपको थोड़ी वो थोड़ी ना कोई प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए बहुत डिपेंड करता है कि आपके इंटरनल एम्प्लॉई सेटिस्फाइड हैं या नहीं। ग्रेटर सर्विस वैल्यू, आप जो सर्विस वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेटर होनी चाहिए। अब एक जगह पे 5 डॉक्टर होते हैं, बट फिर भी कोई एक डॉक्टर होता है ना जिसकी सर्विस चार्ज ज़्यादा होता है, फिर भी लाइन लगती है, लोग नंबर लगवाते हैं, दूसरा कम चार्ज होता है फिर भी खाली रहता है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी में पहले वाला ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। आपकी सिटी में 100 स्कूल हैं, एक जगह एडमिशन के लिए पेरेंट्स लाइन में लग रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा, एक जगह जो है टीचर्स घर घर जाके एडमिशन ढूंढ रही हैं फिर भी सीट्स फिल नहीं हो रही, किस चीज़ का फ़र्क है? आपकी सर्विस की वैल्यू का। सेटिस्फाइड एंड लॉयल कस्टमर, आपके कस्टमर्स कितने आपसे सेटिस्फाइड हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनको वो सही लगेगी, सेटिस्फेक्शन होगी, वो बाद में लॉयल हो जाएंगे। हेल्दी सर्विस प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ, आपके जो सर्विस प्रॉफिट्स हैं वो हेल्दी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब प्रोवाइड करने में अपनी कॉस्ट्स को ना एब्जॉर्व करें तो लॉस में जाएंगे। आप कॉस्ट को देखते हुए उसकी वैल्यूएशन करिए, उसको रखिए और उस हिसाब से ग्रो करिए, ये होती है प्रॉफिट चेन। अब कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ, उनको इंटरनली पढ़ते हैं। एक होता है इंटरनल मार्केटिंग। तो इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है? ओरिएंटिंग एंड मोटिवेटिंग कस्टमर कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एंड सपोर्टिंग सर्विस एम्प्लॉय टू वर्क एज अ टीम टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसे कहते हैं इंटरनल मार्केट, अपनी अंदरूनी मार्केटिंग। जो मैंने पिछले उस साइड में आपको बताया था कि आपका इंटरनल जो एम्प्लॉय है वो सबसे पहले सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, तभी वो एक कस्टमर फेसिंग पोजीशन पे ठीक से बात कर सकता है। अब आपने कॉल सेंटर वाला सेटअप है आपका, और आपका जो एम्प्लॉय है वो रूड है बात करने में, तो कोई क्यों आपके वहाँ पे कॉल करेगा, सर्विस अवेल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो फर्स्ट चीज़ जो इस तरीके की कामों में सिखाई जाती है वो ये होती है कि जो कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय है, सपोर्टिंग एम्प्लॉय है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ काम करें, और वो हमेशा बड़े ही पोलाइट और प्रॉपर वे में करें। इसको कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग, कि आप अपने अंदरूनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं। फिर आता है बैक स्लाइड, इंटरेक्टिव मार्केटिंग। ट्रेनिंग सर्विस एम्प्लॉयज इन फाइन आर्ट ऑफ इंटरेक्टिंग विद कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड। तो इंटरनल था पहले, उनकी सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना, और फिर जिस वे में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं किस तरीके से, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको कहते हैं इंटरेक्टिव मार्केटिंग। मैनेजिंग सर्विस डिफरेंशिएशन, मतलब जो मैं आपको कह रहा था कि 5 डॉक्टर हैं, कोई एक बहुत फेमस है, बाकी नहीं है, स्कूल्स में कोई एक है नहीं है, कोई एक बैंक है, लोग खाता खुलवाना चाहते हैं, किसी में कोई डीलिंग में जाना ही नहीं चाहता, एक गैराज है, गैराज में तो सर्विस प्रोवाइड करता है कार रिपेयर की, किसी के यहाँ लाइन लगती है, किसी के यहाँ बिल्कुल वो नहीं है, एसी रिपेयर वाला, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। तो आप अपनी सर्विस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम कैसे कर सकते हैं, हैविंग मोर एबल एंड रिलायबल कस्टमर कॉन्टैक्ट पीपल। देखिए बार बार ये पॉइंट आ रहा है कि जो आपका स्टाफ है, जो कस्टमर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वो रिलायबल होना चाहिए, वो एबल होना चाहिए, तभी जो है आप अपनी सर्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आपने बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट बनाया है, आप बढ़िया जो है उसमें सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, टॉप के सब्जियां लेके आते हैं, घी मसाले सब कुछ अच्छा लेके आते हैं, आपके शेफ़ जो है टॉप क्वालिटी का है, बट जो आपने वेटर रखे हुए हैं, जो जाके लोगों से मेन्यू से ऑर्डर पूछते हैं, जो लोगों को ग्रीट करते हैं, वो आपने लूड रखे हुए हैं, वो लोगों को जो है ठीक से बात नहीं कर रहे, तो आपका कितना ही 5-star होटल हो वो कभी नहीं चलेगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, डेवलपिंग सुपीरियर फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच सर्विस प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। तो जो आपका सर्विस प्रोवाइड करने का एरिया है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जिसको कहते हैं ना एक वर्ड एम्बियंस, खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं लेकिन जो प्रॉपर एरिया वो क्लीन नहीं है, या एसी वर्क नहीं कर रहा, या आपने उसको लेआउट में ध्यान नहीं दिया है, लोग आएंगे बट सेटिस्फाई होकर नहीं जाएंगे। बहुत सी जगह लोग सिर्फ एम्बियंस अच्छी होने की वजह से जाते हैं। अब लोग मॉल्स में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या ढूंढते हैं सबसे पहले, कि एम्बियंस, आसपास एक अच्छा माहौल हो, बैठने में अच्छा लगे। डिजाइनिंग अ सुपीरियर डिलीवरी प्रोसेस, थर्ड आपका डिलीवरी प्रोसेस जो है वो सुपीरियर होना चाहिए। आपकी मान लीजिए डिलीवरी सर्विस है फॉर एग्जांपल, अब अमेजोन क्या है, एक प्लेटफॉर्म ही तो है, बायर सेलर को कनेक्ट करते हैं, डिलीवर करता है, तो जो आपके टैट है आप उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं, लीड टाइम को फॉलो कर रहे हैं नहीं, तो आपका डिलीवरी प्रोसेस सही है। मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी, सर्विस फर्म कैन डिफरेंशिएट बाय डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली हायर क्वालिटी देन कॉम्पिटिटर। दूसरा होता है सर्विस क्वालिटी, जो हमने डॉक्टर की बात की थी, तो जो डॉक्टर जिसके यहाँ कंसल्टेशन फीस ज़्यादा होते हुए लाइन लग रही है वो क्यों है, क्यों? क्योंकि वो हायर क्वालिटी प्रोवाइड करता है,
किसी ने अपना इलाज करवाया, उसने ये फील किया होगा कि मेरा इलाज यहाँ पे बेहतर हुआ, तो दोबारा जाएगा। जहाँ पे वो एक बार अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, वो नहीं जाएगा। सेम केस है आपका स्कूल्स का। स्कूल किस उससे नाम होता है जब वो अच्छी क्वालिटी, मतलब वहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होता है। देखिए किताबें मोर और लेस सब स्कूलों में एक जैसी होती हैं। डिफरेंशिएट क्या करता है कि आप किस वे में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये होता है सर्विस क्वालिटी को मैनेज करें। थर्ड पैरामीटर होता है मैनेजिंग सर्विस प्रोडक्टिविटी। तो हमने देखा सबसे पहले आप सर्विस को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर क्वालिटी को मैनेज कीजिए, और फिर प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी में ट्रेन करंट एम्प्लॉयज़ बेटर, या तो आपके करंट एम्प्लॉय हो उनकी ट्रेनिंग करिए ताकि वो वर्ल्ड क्लास रहें। अगर वैसा नहीं हो पा रहा तो हायर न्यू एम्प्लॉयज़ हु विल वर्क हार्डर और मोर स्किलफुली। अगर आपके करंट एम्प्लॉयज़ में वो स्किल सेट है ही नहीं तो इवेंचुअली फेज आउट करते जाइए उनको और नए एम्प्लॉयज़ को लाइए। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ देयर सर्विस बाय गिविंग अप सम क्वालिटी। तो उनकी क्वांटिटी ऑफ सर्विस बढ़ाइए ताकि कुछ क्वालिटी पे कई बार वो करते हुए क्वांटिटी को बढ़ाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कई बार देखिए प्रोडक्टिविटी कैसे आती है, मतलब आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कितना मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। अब रेस्टोरेंट में आपके में 10 टेबल्स हैं तो आइडियल सिचुएशन तो ये होगी हर टेबल के साथ एक वेटर लगा दो, बट वैसा नहीं हो सकता ना। आपको उनकी सैलरीज भी कवर करनी है, तो उसके इसमें आप क्या करेंगे? आप एक ऑप्टिमम डिवीजन कर देंगे कि मान लीजिए एक बंदे के लिए तो ये बहुत मुश्किल है, दो के लिए भी 5 ज़्यादा होंगे, मैं 3 बंदे रखता हूँ। कई बार ये कॉल लेनी पड़ती है काम को डिवाइड करने की। उस केस में क्या होगा कि हम थोड़ा बहुत हो सकता है क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए पीक लंच टाइम है और सारी टेबल्स पे लोग आ गए, तो किसी टेबल पे उसे वेट करना पड़े ऑर्डर के लिए बंदे को, उसको थोड़ी बहुत डिससेटिस्फेक्शन हो, बट हमें प्रोडक्टिविटी रहने के लिए कई बार इस चीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट सर्विस मार्केटिंग के बारे में। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम जो है ब्रांडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं। आज जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके नाम सुन के हर कोई कहता है वाह क्या ब्रांड है, वो कैसे बने, तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और ब्रांडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? सर्विस मार्केटिंग के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ बताइए, मेल आईडी पे लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।